दुर्ग के बघेरा स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आनंद सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आनंद सरोवर बघेरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। आयोजन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से शाहना कुरैशी छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित राज्य स्तरीय नारी शक्ति सम्मान दिया गया। वहीं प्रीति अजय बेहरा जो सदस्य हैं आंतरिक परिवार समिति सीमा सशस्त्र बल की, उन्हें भी किया गया। साथ ही डॉक्टर कल्पना देशमुख जो कि मिनी माता अलंकार से सम्मानित है, उन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही रत्ना नरमदेव पूर्व एल्डरमैन व समाज सेविका, ब्रह्म कुमारी रीटा बहन संचालिका, ब्रह्म कुमारी दुर्ग, ब्रह्म कुमारी रूपाली बहन, वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका इस कार्यक्रम में शामिल रहे। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए परमात्मा शिव द्वारा सकारात्मक परिवर्तन विषय पर सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे। अभिवादन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और विगत कई वर्षों से हमने देखा है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में महिलाओं का सम्मान करने के लिए सबको बुलाया जाता है। ये परंपरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान महिलाएं जब करती हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हमने कुछ सीखा है और कुछ देखा है। सिर्फ हम लोग महिला होने का ही फायदा ना उठाएं। आजकल आए दिन समाचार पत्रों में हम पारिवारिक हिंसा, घरेलू हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार और किशोर व बालकों में जो हिंसात्मक रवैया है, ये पढ़ ही रहे हैं अखबार में इन घटनाओं को। इसका कारण क्या है? इसका कारण अभी जो हमसे पहली मैडम ने आपको बताया है कि परिवार अपना दायित्व सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये मंच दिया और आप लोगों के सामने रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। सबसे बड़ी बात, आपने पूर्व वक्ताओं से सुना कि कैसे महिलाओं का अधिकार दिया गया पूर्व से आज तक। मेरा मानना है कि आज की महिलाएं तो संबल हो चुकी हैं, स्वावलंबन हो चुकी हैं, आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। और सेवा भाव जो आज मैं यहाँ पे बैठ के सुन रही थी, जो बहनें हैं हमारी दीपाली बहन, तो हमारी मीठी बहनें, आप सब से हम एक मिनट बस यही अपने वक्तव्य में कहना चाहते हैं कि आप अपने लौकिक में चाहे बेटा हो चाहे बेटी, चाहे सास हो चाहे ससुर, चाहे देवर हो चाहे देवरानी, सबके प्रति समान प्यार की भावना रखिए। क्योंकि कहते न लव इस गॉड। हम यहाँ करीब 18 बहनें अभी रहती हैं आनंद सरोवर में, अलग अलग कास्ट की हैं, कोई मराठी है, कोई उड़ीसा की। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी रूपाली बहन ने आए हुए सभी महिलाओं का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि अगर हर नारी अपनी शक्ति को याद रखे तो नारी शक्ति जागृत हो जाएगी और नारी सशक्त बन जाएगी। देखते हैं, नारी शक्ति का इतना सम्मान है कि आज नदियों के नाम बहनों के नाम पर ही रखे गए हैं। वहीं सम्मानित शाहना कुरैशी ने कहा कि हमारे जीवन में जब सकारात्मक विचार आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे कदम अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। घर में माता पिता अपमानजनक बातें करते हैं तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, तो हमें ध्यान रखना है अपने एक एक विचारों पर, कर्म पर। यदि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तो महिलाओं का सशक्तिकरण सहज हो जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्म कुमारी दुर्ग की संचालिका रीटा बहन ने भी उद्बोधन दिया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।